बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 71। टॉपिक है हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट। आज हम सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो क्लास, इस दुनिया में जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, अगर हम उनकी बेसिक्स पे जाएं ना, तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में जो भी ब्रांच साइंस की डिवेल्प हुई है, उसकी बेसिक जो है वो उसमें कोई ना कोई मुस्लिम साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। वजह ये थी कि जब तक हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहे, और जब तक हम या कह सकते हैं कि हम उन सुनहरी असूलों को जो इस्लाम हमें बताता है, हम उस पर अमल करते गए, तो हम कामयाब रहे। और जब तक हमने उन्हें छोड़ दिया, तो हमारी नाकामी स्टार्ट हो गई। तो जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और वो सबसे बेटर, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है उस फील्ड की बुनियाद रखने में। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वक्त के साथ साथ हमने अपनी कदीम रिवायात को छोड़ दिया और हम पीछे से पीछे चले गए। तो इसके साथ ही क्लास, किसी अच्छे यानी कि जर्नलिस्ट ने या एक बात की थी, वो मुझे याद आ गई, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं, कि दूसरी कौमों की तरक्की का राज इसमें है कि वो आगे से आगे बढ़ते जाएं, और मुसलमानों की तरक्की का राज इसमें है कि वो पीछे से पीछे होते जाएं और हजरत मोहम्मद सल्लम और उनके सहाबा की सफ में जाकर खड़े हो जाएं। सहाबा की जब सफ में हम खड़े हो जाएंगे ना, जब हम सच बोलेंगे, झूठ से परहेज करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो क्लास, मुस्लिम साइंटिस्ट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जाबे बिन हयान, ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है। उसका लाइफ पीरियड है 815 AD। तो जाबे बिन हयान को, यानी कि वो साइंटिस्ट है जिसने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था। केमिस्ट्री के अंदर इसकी बहुत सारी बातें हैं। तो ही वॉज बोर्न इन ईरान, ईरान के अंदर ये पैदा हुआ, एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। मेडिसिन की जो प्रैक्टिस की थी इसने, वो इराक में की थी। मेडिसिन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, साइंस के अंदर या बायोलॉजी का वो कैरियर है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म की डिजीज को डायग्नोज करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद है इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है, वो जिसने प्रपोज की थी, वो सबसे पहला साइंटिस्ट जाबे बिन हयान था। उसके साथ ही उसकी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फेमस बुक्स आर अल नबतात एंड अल हैवान। अल नबतात एंड अल हैवान आर दी फेमस बुक्स ऑफ द जाबिर बिन हयान। इसके बाद है अब्दुल मालिक असमाई। अब्दुल मालिक असमाई जो है, ये 740 को पैदा हुए और 28 AD के अंदर वफात पा गए। ही कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडी द एनिमल्स इन डिटेल। वो मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने एनिमल्स को डिटेल के साथ स्टडी किया था, वो हमारे पास है जी, अब्दुल मालिक असमाई। ये आप एमसीक्यू में याद रखेगा, हु स्टडी द एनिमल्स इन डिटेल, अब्दुल मालिक असमाई। और उसकी फेमस बुक्स के नाम जो है वो क्या है, अल एबल। एबल अरबी में किसको कहते हैं, कैमल को कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। अल खेल, अरबी में खेल जो है वो घोड़े को कहते हैं, हॉर्स। अल वहूश, वहूश एनिमल्स को कहते हैं। और इसके साथ ही खलक अल इंसान यानी ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। तो इसकी चार फेमस बुक जो हैं आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बू अली सीना। बू अली सीना 980 को पैदा हुए और 1037 के अंदर वफात पा गए। ही इज ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसन। मेडिसन का जो फाउंडर है ना, वो हमारे पास कौन है, बू अली सीना। तो बू अली सीना जो है, इसको मगरिब के अंदर, वेस्ट के अंदर
एविसीना के नाम से पुकारा जाता है। तो क्लास एविसीना बोली सीना को एविसीना क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है ना, उन्होंने हमारी जो एजुकेशन थी, हमारी बुक्स थी, वो चुरा के ले गए थे। अब वो तस्वीर ये करते हैं कि ये बुक्स हमारी लिखी हुई है, और वो इसको मुस्लिम साइंटिस्ट को एविसीना के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये से पता चले कि ये हमारे साइंटिस्ट है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसी तरह से अब्दुल कासिम ज़हरावी को अल्बुकैसिस कहते हैं वेस्ट के अंदर, इब्नुल हाशम को अबू अल हाशम को इब्नुल हाशम कहते हैं, तो वो डिफरेंट है। अच्छा, ही वाज अ फिजिशियन, ये फिजिशियन भी था, फिजिशियन मतलब सर्जरी से रिलेटेड है, फिलासफर भी था, फिलासफर मतलब फलसफा देना, एस्ट्रोनोमर इल्म फलकियात रखना, एंड पोइट और शायर भी था इसके साथ। फेमस बुक जो है वो अल कानून फी अत-तिब है, अल कानून फी अत-तिब, ये तिब से रिलेटेड है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज से रिलेटेड जो है इसने बुक लिखी थी, और इसको मगरिब के अंदर कैनन ऑफ द मेडिसिन के तौर पर भी जाना जाता है, यानी ऐसी बुक जो मेडिसिन में सबसे ज्यादा जो है वो यूज की जाती है। आज भी जो है वो मगरिब की यूनिवर्सिटियों के अंदर कोर्सेस में इसको पढ़ाया जाता है। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।